नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आपने जबलपुर हाई कोर्ट की जो आंसर की है वो आपने देख ली होगी। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन ये सब चीज़ें हैं तो आप अगर यहाँ पर देखिए, हमें दिया हुआ है, ये सब चीज़ें दी हुई हैं, 7 डेज अपलोडिंग पब्लिकेशन प्रोफेशन। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन वगैरह देना है तो वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, फिर भी आपको लगता है तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हो वहाँ पर। देखिए, अब यहाँ से आपको बहुत जल्दी ये चीज़ें पता पड़ जाएगी कि कितना क्या कट ऑफ गया, ठीक है? क्योंकि अब आपके नंबर जो है वो पता पड़ जाएंगे कि कितने नंबर आए। तो मैं एक यूट्यूब पर, और बात की जाए तो टेलीग्राम पर, एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, तो उसमें आप अपने नंबर बता दीजिए कि कितने से कितने के बीच में आ रहे हैं, ठीक है? देखिए, हम पेपर तो ऑलमोस्ट सबका साम सिंपल ही आया। देखिए, जहाज महल मैंने कई बार बताया, मांडू के जहाज महल में आपको ये मांडू में देखने को मिलता है, और मांडू किस में है, धार में है, ठीक है? यहाँ पर देखिए, नेशनल पार्क इन कौन सा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है? द स्टेट बर्ड ऑफ, तो ये भी मैंने आपको बताया था, दूधराज है। आपने जो 20 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे तो आप जरूर देखिएगा, अगर जब नहीं देखे होंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। देखिए, मनधाता फेयर जो है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको जो है वो खंडवा में देखने को मिलता है। 1984 गैस ट्रेजेडी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, कई बार मैंने बताया है आपको, ठीक है? फंडामेंटल राइट नहीं है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है? तो वहाँ पर देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, 300A आर्टिकल के अंतर्गत देखने को मिलती है, तो ये भी मैंने बताया था। एक्स चेयर ऑफिस चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, तो ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट रहता है। यूनियन टेरिटरी आर इन स्टेट, तो कितनी यूनियन टेरिटरी है ये पूछा गया है, तो 8 हैं, 28 हैं, और 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी हैं स्टेट। सार्क का कंट्री कितनी है, हाउ मैनी कंट्रीज आर नंबर ऑफ सार्क में, तो मैंने आपको बोला था कि जो लूसेंट है, लूसेंट में मिसलेनियस जो दिया हुआ है उसको आप कर लेना अच्छे से, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिन लोगों ने किया होगा इसका आंसर आप लगा पाओगे। 8 जो हमें इसमें कंट्री है, और बात की जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नेपाल काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है सार्क का, ठीक है? सार्क का येन जो है ये किसकी करेंसी है, तो ये भी आपको जो है वो मिसलेनियस में देखने को मिलेगा, करेंसी से संबंधित है, तो ये आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा, ठीक है? टोडा ट्राइब ये कहाँ पर देखने को मिलती है, नीलगिरी तमिलनाडु में, तो वहाँ पर देखने को मिलती है। लोकटक झील मैंने आपको कई बार बताया था, जो नॉर्थन ईस्ट स्टेट है वहाँ पर जो फ्रेश वेटर मीठे पानी की झील है, जो कि आपको मणिपुर में देखने को मिलती है, लोकटक झील। लोकटक झील में ही आपको जो है वो तैरता हुआ नेशनल पार्क देखने को मिलता है, तो ये मैंने कई बार बताया है। सोलर प्लानट, ब्राइटेस्ट सोलर प्लानट वीनस होता है, किसको नहीं पता होगा, ठीक है? राय फोर्क डांस बिलोंग टू द रीजन, तो ये जो है वो बुंदेलखंड से देखने को मिलता है। T20 ऑस्ट्रेलिया ने जो T20 वर्ल्ड कप 2021 जीती थी, तो वही किसको हरा के जीती थी, तो न्यूजीलैंड को हरा के जीती थी, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था T20 वर्ल्ड कप। हु वॉन द गोल्ड मेडल ऑफ मिक्स 15 पिस्टल और टोक्यो ओलंपिक में, तो इसका आंसर हो जाएगा मनीष नरवाल। तो मनीष नरवाल, टोक्यो ओलंपिक को मैंने आपको बोला था कि टोक्यो ओलंपिक वगैरह ये सब चीज़ें कर लेना, करंट अफेयर से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अमृता घाटा ये जो है वो नॉन एज अमृता घाटा किसको जाना जाता है, तो ये बिंदुसार को जाना जाता है, तो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। काउंसिल मोनुमेंटो एक्ट, मॉडर्न हिस्ट्री ये आपको देखने को मिलेगी, ये जो है वो किसके द्वारा, तो सेपरे जो इलेक्ट्रोड है, तो मॉडर्न मोनुमेंटो एक्ट के थ्रू जो है वो सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात की गई थी, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, और ये कौन सा है, इंपॉर्टेंस दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया फॉलोइंग, तो ये आपको देखने को मिलेगा 26 जनवरी 1915 में, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कब देखने को मिला, तो 26 जनवरी 1950 को जो है वो अपने फोर्स में जो आया था, ठीक है? तो वैसे 26 नवंबर को जो है वो 26 दिसंबर को, 26 नवंबर 26 दिसंबर, तो फोर्स में जो आया था वो आपको देखने को मिला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए जो है वो गणतंत्र दिवस मनाया था दरअसल, ठीक है? 26 नवंबर 1949 को जो है वो बन के तैयार हो गया था। और चालुक्य की बात की जाए, ये चूलिया, ओके चालुक नहीं है, चूलिया जलप्रपात ये कहाँ पर है, तो चूलिया जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है, तो ये आपको चंबल नदी पर देखने को मिलता है।
ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था कि फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक से कौन सा संबंधित नहीं है इसमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा अमृता शेर, ठीक है। और हड़प्पा का पूछा गया है यहाँ पर, तो ये किसके द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा खोज की गई थी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आपको बताए थे मैंने, भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। और हु इंट्रोड्यूस थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ इन इंडिया, तो ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, तो दादा भाई नौरोज के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। नाबार्ड से रिलेटेड पूछा गया था, तो नाबार्ड से रिलेटेड ये क्या है, रूलर और जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है तो उनको जो है वो प्रोवाइड कराता है, ये बैंक है नाबार्ड, ओके। और ये है भावनातंग भुगतान योजना जो है, वे किससे संदर्भ, भावांतर, भावांतर भुगतान है, भावांतर नहीं, भावांतर भुगतान है, तो ये दरअसल जो है वो एग्रीकल्चर से है, ठीक है। ये डिसीजन से पूछी गई थी, डिसीजन से मैंने आपको बोला था कि अगर आप साइंस में ज़्यादा चीज़ें नहीं करो तो कम से कम आप डिसीजेस हो गए, विटामिन होंगे, तो ये आप जरूर पढ़ लेना, और वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि ट्यूमर क्लोसिस में क्या होता है, टीबी जो रहती है उसमें क्या रहता है, जो लंग्स रहते हैं, फेफड़े रहते हैं, उनको इफेक्ट करता है, ठीक है। मिल्क में जो है वो प्योरीफिकेशन को क्या बोलते हैं, तो मिल्क का लैक्टोमीटर इससे मेजर किया जाता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो रहता है वो किस में रहता है, मिल्क में रहता है, और लैक्टोमीटर जो है वो इससे मेजर किया जाता है, लैक्टोमीटर से। पंचायती राज सिस्टम ये कौन से आपको पार्ट में देखने को मिलता है, तो पंचायती राज आपको जो है 9वें पार्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। जहाज महल ये आपको धार, अच्छा ये हिंदी इंग्लिश में दिया हुआ है, तो ऊपर इंग्लिश में दिया था, तो ये हिंदी के वही चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। मैथ्स में आप देखिए, मैथ्स में भी सिंपल ही क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो हम सीधा हिंदी की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। ये मैथ्स के क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन मैं आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप चाहो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको जो है वो इसके सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये इंग्लिश है, इसमें आप देख सकते हो कितने क्या है, ये कंप्यूटर के हैं, तो देखिए टेक्स्ट स्टाइल फीचर ऑफ एमएस वर्ड क्या होता है, तो वर्ड आर्ट होता है, एमएस वर्ड में वर्ड आर्ट होता है, उसके थ्रू जो है, तो ये आपने देखा होगा कि ये मैक एड्रेस हो गया, इसकी लेंथ कितनी होती है, ये सब सीपीसीटी में पढ़ा हुआ आपका सब कुछ वही तो है, अलग से तो कुछ है नहीं है। मैंने आपको बोला भी था कि जो आपने सीपीसीटी पढ़ा है उसी को आप अच्छे से कर लीजिए। और ये जो है वो सेकंड शिफ्ट का है, तो सेकंड शिफ्ट में आप देखिए, सेकंड शिफ्ट में भी चीके ऑलमोस्ट सब में सेम आई है, मतलब सिंपल आई है एक तरीके से जाए। जनजाति संग्रहालय मैंने आपको बताया था भोपाल में है, इंदिरा गांधी के नाम से जो है वो जाना जाता है, नेपाल नगर अखबारी कागज के लिए, नचना कोठार जो है ये आपको पन्ना में देखने को मिलता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये मलाजखंड बालाकांड में, पूर्व का जिब्राल्टर, ग्वारियल का किला, संविधान अनुसूची पूछी गई है भाषा से, है तो 8वीं अनुसूची है ये, आपने मैंने भी पढ़ाया था। धन विधेयक, तो धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आप 20 वीडियो देखना, आपको 20 वीडियो में इतने क्वेश्चन मतलब देखने को मिलेंगे कि बहुत कुछ जो है वो पूछा गया है उन 20 वीडियो से, 20 वीडियो में मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई थी। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद सिविल राइट, ये डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत देखने को मिलती है, ठीक है। भारतीय ये कमला हैरिस है, तो ये आप काफी न्यूज में सुना होगा, ये तो आपने देखा होगा करंट अफेयर्स से, इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है जिनेवा स्विट्जरलैंड, ये आपको जो है वो मिसलिनियस क्वेश्चन देखने को मिला है। एलोरा की गुफाएं जो है वो ये किसके द्वारा, राष्ट्रकूट के द्वारा महाराष्ट्र में है। सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा सुना होगा, तो सुंदरबन बायोस्फीयर भी जो है आपको पश्चिम बंगाल में, और सुंदरबन डेल्टा भी पश्चिम बंगाल में, दोनों ही चीन है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो 22 दिसंबर का होता है, ठीक है। देश का कौन से सबसे लंबी, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो है वो बांग्लादेश से लगती है, मैंने आपको बताया था बचपन, बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए, मैंने आपको ये ट्रिक भी बताई थी। तो बांग्लादेश सबसे अधिक, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, और फिर अफगानिस्तान, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आप देख लेना वीडियो, सबको देखने को मिल जाएगी। तो मैंने क्रम भी आपको बता दिया कि सबसे ज्यादा किसकी लगती है, सबसे ज्यादा, तो देखिए ये सिर्फ एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, नीरज चोपड़ा भाला फेंक से, न्यूज में आपने काफी देखा होगा, राजा भोज किस वंश के शासक, परमार वंश के शासक हैं, ये भी मैंने बताया था। ये आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हैंसेंग किसके दौरान जो है आया था, तो ये हर्षवर्धन के दौरान आया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। मधुबन पेंटिंग ये बिहार से संबंधित है, हीराकुंड महानदी पर है, ठीक है, महानदी पर है। हरिहर बुक्का ने विजय साम्राज्य की जो है वो स्थापना की थी,
ये आपको देखने को मिलेगा। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय है, ठीक है। मैग्नाकार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ये हिमतरंगणी माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा बालिका दिवस पंख अभियान शुरू किया गया था, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। अगर आपने करंट अफेयर्स देखा होगा तो वहां पर देखने को मिलेगी। और जिला की बात की जाए तो ये बीपीएल जो एलपीजी कनेक्शन है उसको जो है वो संबंधित है ये, ठीक है। इंद्रधनुष जो है टीकाकरण से संबंधित है ये। के विटामिन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो देखिए विटामिन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिसीज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी और कहीं से क्वेश्चन नहीं देखे। तो मैंने दो टॉपिक एग्जैक्ट आपको ये चीजें बताई थी कि ये दो टॉपिक आप कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हमेशा, ठीक है। ये टीकाकरण बायोटेक, ये बात की जाए तो कोवैक्सीन, ठीक है। तो एक भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई थी, एक बात की जाए सीरम ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई थी। तो भारत बायोटेक के द्वारा तो कोवैक्सीन, और सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वो कोविशील्ड बनाई गई थी। तो ये दो वैक्सीन जो है वो भारत के द्वारा बनाई गई थी। तो ये है, ये रीजनिंग मैथ्स है, ठीक है। थर्ड शिफ्ट के हम बात करें तो इसके भी जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। बाकी आप देख लेना सबको, और नंबर आप बता देना, मैं पोल कर दूंगा तो कितने के आपके सही निकले हैं तो वो भी आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सब हिंदी में हिंदी है, तो ऑलमोस्ट जो है वो सारी चीज़ें बता दी हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वैसे व्हाट्सएप पे तो शेयर कर दी थी एक ने, तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी शेयर की थी। मुझे नाम तो नहीं पता पर मैं चेक कर लेता हूँ। ये अशोक के द्वारा, अशोक खरे के द्वारा जो है वो शेयर कर दी गई थी, तो आपने देख ली होगी। ओके, बाकी आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हो। तो क्वेश्चन तो कोई गलत नहीं है, ऑब्जेक्शन लेने की मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। आपको कोई क्वेश्चन गलत दिख रहा हो तो आप बता देना। मैंने जो यहाँ पर अभी पूरा एनालिसिस नहीं किया है, वैसे तो थ्री टायर पंचायती राज ये जो है वो किसके द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है वो ये बनाई गई थी, ठीक है। जवाहर सागर हाइड्रो, जवाहर सागर ये आपको चंबल नदी पर देखने को मिलेगा, चंबल नदी पर राणा गांधी, ये मैंने आपको बताए थे जवाहर, ये तीनों ही चीजें। ऐशबाग स्टेडियम आपको जो है भोपाल में देखने को मिलेगा। कितना सिंपल पेपर, कितना जीके के क्वेश्चन जो है वो सिंपल देखने को मिलेंगे। गुप्ता रूरल नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो ये किसके नाम पे देखने को मिली थी, तो कुमार गुप्त का, कुमार गुप्त ने जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है वो पॉइंट किया था, ठीक है। 24 तीर्थंकरा ऑफ जैन, अच्छा जो जो 24वें तीर्थंकर हैं जैनिज्म में वो कौन थे, तो ये कौन से थे, पार्श्वनाथ थे, महावीर थे 24वें, ठीक है। महावीर से 24वें लास्ट जो थे 24 ही रहे हैं, ठीक है। राजा राम मोहन राय के जो है वो ये किसने, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने की थी, तो राजा राम मोहन राम ने जो है वो इसकी ब्रह्म समाज की थी, और आर्य समाज की जो है वो दयाराम साहनी ने की थी। तो ये मैंने आपको वीडियो में 20 वीडियो में आप देख सकते हो। मैं अगर आपको लग रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ तो आप देख लेना, वहां पर सारी चीजें आपको पता पड़ जाएंगी। पन्ना किस लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है, 11 है भाई, ठीक है। भीम बेटका की खोज किसने की थी, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, बारहसिंगा एकमात्र प्रजाति का कहाँ पर है, आपको कान्हा में देखने को मिलता है इसका। ओके, नीति निषेध तत्व से संबंधित है, ये कौन से भाग के अंतर्गत देखने को मिलता है, तो ये आपको 4वें भाग में देखने को मिलता है। 3 में फंडामेंटल राइट है, 4 में जो है वो राज्य की नीति निर्देश तत्व है, तो ये आपको देखने को मिला है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा में पूछा गया है, तो राज्यसभा में जो है वो 12 सदस्यों को जो है वो मनोनीत किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय विधि दिवस जो है कब बनाया जाता है, तो 26 नवंबर को जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। और सम्मेलन प्रोटोकॉल वायुमंडलीय ओजोन से संबंधित है, तो ये आपको देखने को मिलेगा पूर्ण सम्पूर्ण। अच्छा, इसमें नहीं पूछा गया है तो नहीं है, ठीक है। तो ये बोन सम्मेलन है, और बाकी वेना हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया, तो ये आपको जो है वो इसके आंसर हो जाएंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है। तो ये आपको मारिया और मित्रे को दिया गया था, द मित्रे, ठीक है, मारिया और द मित्रे। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, 1973 में शुरू किया गया था। मानक, भारत मानक मध्यमान कितना है, तो साढ़े साढ़े बात की जाए तो ये आपको देखने को मिलेगी 82 ईस्ट, सिंगरौली से निकलती है, ये मैंने आपको बताया भी था। ओके, तो ये सब चीजें हैं, और तो कुछ है नहीं है, ये क्वेश्चन है, ये तो आपको जो है वो सीपीसीटी में देखने को मिलते हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पर रख दिए गए हैं सेम टू सेम। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन वगैरह ये सब चीजें आयु से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ओके, तो मिलते हैं फिर।
आप लोगों का कैसा क्या रहा, पेपर कितने क्या नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, बाकी मैं पोल तो डाल ही दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।